हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सोहम इज वर्ल्ड में, एंड आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। आज हम क्या लेके आए, देखो, हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, बट मैंने हेडिंग क्या लिखा है, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। अब पहले तो इनमें क्या रिलेशन है वो समझ में आना चाहिए। देखो क्लास, एक डायलॉग ऐसा है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम ऐसे बोल सकते हैं, डिवीजन इज एंटी मल्टीप्लिकेशन। आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है एंड दिस इज व्हाट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दे आर एंटी ऑफ ईच अदर। इज दैट, देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको ये प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट एक बेसिक डेफिनेशन है, देखो, अगर इफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी एक्स के साथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैंने इंटीग्रेशन लिया तो उसका आंसर एफ ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ऐसा आंसर आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये एंटीनेस हो गया ना, मतलब क्या मैं बताता हूँ, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, सो वी कैन से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल। अब वैसे ही देखो यार, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, सो वी कैन से माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, प्लस साइन एक्स। तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये पहले एक बेसिक रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको समझा, मतलब एक फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ये होगा तो इसका इंटीग्रेशन दैट फंक्शन होगा, ये पहले बात दिमाग में फिट कर लो। क्यों मालूम है, बहुत सारे बच्चे ना मुझे बोलते हैं, सर मुझे थोड़ा डेरिवेटिव डिफिकल्ट जाता है बट इंटीग्रेशन मुझे आ जाता है। मतलब उस बच्चे को यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, सी जैसा ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि इंटीग्रेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है, अगर डेरिवेटिव आपको नहीं आ रहा है तो इंटीग्रेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है बाबा। तो वो बच्चा कैसे डायलॉग मार रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि वो बोल रहा है मुझे डेरिवेटिव नहीं आता बट इंटीग्रेशन आ जाता है। बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि सारे इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पता होंगे, बेसिक फॉर्मूले पता होंगे तो ही आने वाले हैं। इज दैट क्लियर टू यू? तो आपका डेरिवेटिव बहुत अच्छा हुआ है, बेसिक डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोड़ दो, बेसिक डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आ रहे तो ही ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना है। अदरवाइज पहले डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्टरी फॉर्मूला वाला लेक्चर है वो पहले देखो क्लास, तो ही ये मजा आएगा। तो ये पहले रिलेशन समझा। अब एक क्वेश्चन रेज हो रहा था मेरे बहुत सारे बच्चों के मन में, ये सी क्या है? तो प्यार से देखो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन, करेक्ट है? तो वन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स, बरोबर है? अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, x प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x का वन, वन का डेरिवेटिव जीरो, तो आंसर इज वन सेकेंड वन, तो वन का इंटीग्रेशन फिर से क्या आ जाएगा, x प्लस वन। ऐसे ही x प्लस हंड्रेड किया तो भी उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, वन, तो वन का इंटीग्रेशन x प्लस हंड्रेड भी तो आ सकता है। आर यू गेटिंग मी? तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है मेरे हर एक बच्चे को, समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है?
सिमिलर फैशन में हम सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखने की कोशिश करते हैं जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले के साथ मैं कोरिलेट कर सकता हूँ। देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, हमने फर्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव में क्या देखा था, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, करेक्ट है। तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होगा, एक्स रेस टू एन। बट ये एन कॉन्स्टेंट है तो मैं बाहर निकालू एंड बोथ साइड डिवाइड कर लूँ तो ये एन तो चला जाएगा और यहाँ पे अपॉन एन हो जाएगा। तो एक्स रेस टू एन माइनस वन है तब आंसर क्या था, एक्स रेस टू एन अपॉन एन। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन होता तो क्या होता था, यहाँ पे आंसर देखो एन माइनस वन था तो इसमें प्लस वन हो गया तो एन हो गया था ना, एन माइनस वन में प्लस वन करेंगे तो एन मिलेगा ना, तो यहाँ पे एन है तो प्लस वन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एंड हम क्या प्लस सी सबके साथ ही लिख देते हैं। तो दिस इज व्हाट अवर फर्स्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरा बच्चा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन अपॉन, सो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आएगा मेरा बच्चा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अगर ये फॉर्मूला आने लगा तो इसके साथ हम आराम से खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट रूट एक्स का इंटीग्रेशन किसी ने पूछ लिया तो रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू वन बाई टू ना, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, वन बाई टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू थ्री बाय टू, वन बाय टू प्लस वन इज थ्री बाय टू अपॉन जो कुछ भी है वो नीचे के नीचे वैसे ही, समझ में आ चुका है। अगर किसी ने पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स रेस टू वन बाय टू है, एक्स रेस टू टू एंड एक्स रेस टू वन बाय टू मतलब एक्स रेस टू फाइव बाय टू, ये ऊपर चला गया तो कैसे हो जाएगा, एक्स रेस टू माइनस फाइव बाय टू। अब देखो ये एक्स रेस टू एन जैसे ही दिखने लगा, सिर्फ एन का वैल्यू क्या है, माइनस फाइव बाय टू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू माइनस फाइव बाय टू प्लस वन मतलब माइनस थ्री बाय टू अपॉन माइनस थ्री बाय टू, दैट्स इट। मेरे हर एक बच्चे को अब एक्स रेस टू एन वाले फॉर्मूले के साथ खेलना आने लगा है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या ले लेंगे, देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था, वन अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या आएगा, लॉग एक्स, बट यहां पे मैं मॉड एक्स लिख रहा हूं, क्यों, बिकॉज लॉग फंक्शन अगर आप प्लॉट करोगे तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, एंड दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के कौन से वैल्यूज है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मुझे लॉग फंक्शन मिलता है, तो एक्स क्या होगा कंपल्सरी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव दिखाने के लिए मैंने एब्सोल्यूट या मॉड का सिंबल यूज किया, इज दैट क्लियर टू यू। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन क्या आ गया कि एक्स रेस टू एन है उसका फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये सब जगह पे फॉलो हो जाएगा एक्सेप्ट एन इज इक्वल टू माइनस वन नहीं होना चाहिए। देखो ना एक्स रेस टू माइनस वन मतलब ये वन बाय एक्स हो गया ना, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और यहाँ पे क्यों नहीं होगा, अदरवाइज ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो अनडिटरमिन मतलब क्या इन्फिनिटी हो जाएगा ना बेटा, इज दैट क्लियर टू यू, डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, इज दैट क्लियर टू यू। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को दो फॉर्मूले आने लगे, एक्स रेस टू एन का एंड लॉग एक्स का, वन बाय एक्स आता है तो वन बाय एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, क्लियरिटी। अब तीसरा देख लो क्लास, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था, ए रेस टू एक्स लॉग ए डेरिवेटिव, क्लियरिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया डेरिवेटिव तो मुझे क्या मिलता था, ए रेस टू एक्स लॉग ए। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन लूंगा ए रेस टू एक्स लॉग ए का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, ए रेस टू एक्स, बट ये लॉग ए कॉन्स्टेंट है तो उसको मैं बाहर निकाल या डिवाइड कर दूँ बोथ साइड, सो व्हाट वी गेट,
ए रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी. सो दिस इज वॉट अवर फॉर्मूला. देखो मैं जो बोल रहा था एंटीनेस, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, एन इन टू एक्स रेस टू एन माइनस वन. मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा था और यहाँ पे एन मल्टीप्लीकेशन में, बट इंटीग्रेशन में क्या हो गया देखो, प्लस हो गया एंड वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं डिवाइड डिवीजन में. मतलब एंटीनेस, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया रहेगा तो यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे माइनस वन किया रहेगा तो यहाँ पे प्लस वन. वैसे ही यहाँ पे देखो ना, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इन टू लॉग ए था, बट इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए. सो दैट इज वॉट वी आर कॉलिंग एंटीनेस. तो डेरिवेटिव है एंड इंटीग्रेशन को मैंने क्या बोल दिया, एंटी डेरिवेटिव. इज दैट क्लियर टू यू? तीन फॉर्मूला अच्छी तरह से समझा. अब सिमिलर फैशन में फोर्थ फॉर्मूला, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स ही होता है, तो e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी e रेस टू एक्स ही होगा. इज दैट क्लियर टू यू? अब दूसरा तरीका है, यहाँ पे a की जगह पे e सब्सिट्यूट किया तो आंसर क्या मिलता था, e रेस टू एक्स अपॉन log e, बट log e का वैल्यू क्या होता है, वन. सो इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा ही तरह से समझा. अभी और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉन्स्टेंट के का डेरिवेटिव जीरो होता था. इज दैट क्लियर टू यू? बट कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, वन. और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने पहले ही देख लिया था, एक्स होता है. सो इसका आंसर क्या आएगा, के इंटू एक्स प्लस सी. तो इंटीग्रेशन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस सी. अब ये फॉर्मूला बहुत स्टार है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. डेरिवेटिव में कांस्टेंट का जीरो आता है बट इंटीग्रेशन में के एक्स प्लस सी, तो एग्जैक्टली उल्टा कर देते कोई कोई बच्चे. तो कॉन्सेप्चुअली जाओ बच्चा, आपको आराम से सारे फॉर्मूलेस ऐसे ऐसे आते जाएंगे. देखो अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस कर लेते हैं. अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो मनी मन में क्वेश्चन क्या पूछने का, कॉस एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स. क्लियरिटी? साइन एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, तो माइनस कॉस का क्या आएगा, प्लस साइन. तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स आने वाला है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी. इज दैट क्लियर टू यू? सिक्स स्क्वायर एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है, टेन एक्स का, तो आंसर क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सी. कोसेक्स स्क्वायर एक्स किस चीज का है, कॉटेक्स का आता है माइनस कोसेक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉटेक्स का प्लस कोसेक्स स्क्वायर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉटेक्स प्लस सी. सेक एक्स टेन एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है, सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस सी. कोसेक एक्स कॉटेक्स, तो माइनस कोसेक एक्स कॉटेक्स हमें पता है डेरिवेटिव है कोसेक एक्स का, बट हमें प्लस पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी. इज दैट क्लियर टू यू? अब यहां से क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है, साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का हो गया, बट वॉट अबाउट टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक. टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक्स, इनका इंटीग्रेशन हमें अगर फाइंड करना है तो हमें पहले एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. दैट प्रॉपर्टी कौन सा, देखो यार, प्रॉपर्टी नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. अब ये प्रॉपर्टी आई कहां से वो भी देख लेते, कोई इशू नहीं, बहुत ही सिंपल है. समझो ये गिवन है हमें, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स. ओके नो,
एंड इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आता था डी टी बाय डी एक्स, तो ये डी एक्स यहाँ पे गया तो कैसे दिखेगा, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्लियरिटी। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट किया तो व्हाट वी गेट, देखो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स दिख रहा है तो उसकी जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, डी टी, एंड ये वन अपॉन एफ ऑफ एक्स मतलब वन अपॉन टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी टी, ये तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया ना, दैट इज नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। तो वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, दैट्स इट। आर यू रियली गेटिंग मी? देखो अब ये प्रॉपर्टी हमें टैन एंड कॉट के लिए कैसे यूजफुल है मैं बता देता हूँ। देखो हमारा फर्स्ट टास्क क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स फाइंड करना, एंड सेकेंड टास्क क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स फाइंड करना। अब पहले इस बार मैं कॉट एक्स कर लेता हूँ बिकॉज वो बहुत ही सिंपल है, आपको समझने में ईजी होगा। वो कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, एंड अभी के प्रॉपर्टी को प्लीज़ एक बार अच्छी तरह से देख लेना, न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनो का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर, सो ये न्यूमरेटर क्या कॉस और यहाँ पे क्या साइन, साइन एंड कॉस को मैं बोल देता हूँ एक दूसरे के लिए, मतलब क्या वो एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एकदम फिट हो रही है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। देखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे देखो ये एफ डैश ऑफ एक्स है साइन एक्स एफ ऑफ एक्स है, तो आंसर सीधा मैं क्या लिख दूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अब ये समझ में आया तो डेफिनेटली आपको टैन वाला क्वेश्चन खुद का खुद करना चाहिए, वीडियो को पॉज कर लो एंड चेक कर लो। टैन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल इनटू डी एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ साइन आएगा बट एग्जैक्टली साइन आएगा क्या, नहीं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स, तो ज़बरदस्ती माइनस साइन लिख देने की एंड माइनस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस लिखा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर लिमिट्स के लेक्चर आपने देखे होंगे तो इस रूल को एडजस्ट करते, उस रूल को हम क्या बोलते हैं, हिटलर लॉ। तो एडजस्ट कर देने का, हमें जो चाहिए वो पहले लिख देने का एंड देन एडजस्टिंग, इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा तो डायरेक्टली आंसर ये माइनस वैसे ही रहेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट लॉ, तो ये माइनस वन यहाँ पे चला गया तो कैसे दिखेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स होल रेस टू माइनस वन प्लस सी, तो कॉस एक्स का इनवर्स क्या होता है सेक एक्स, तो दूसरा आंसर क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, तो ये एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर है टैन एक्स के लिए। कॉट एक्स के लिए आंसर क्या था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इज दैट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट दो फॉर्मूले कौन से देखने थे, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसका थोड़ा सा तरीका अलग है, तो ट्रिक देखो सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछने का कि सेक एक्स वाली टर्म कौन से डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज में आते हैं, तो एक फॉर्मूला हमें पता है कि टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आता है एंड सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स आता है, इज दैट क्लियर टू यू? अब समझो इन दो इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, सो व्हाट वी गेट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेक एक्स प्लस टैन एक्स लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो सेक एक्स टैन एक्स प्लस सेक एक्स, तो यहाँ से सेक एक्स को मैंने अगर कॉमन ले लिया सो व्हाट वी गेट, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, इज दैट क्लियर टू यू? देखो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स, आर यू रियली गेटिंग मी? पक्का समझ में आ गया?
अब देखो, हाँ क्वेश्चन क्लास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स नो। तो मैंने क्या कर दिया, देखो सेक एक्स का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैंने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड किया। तो उससे मेन क्वेश्चन को कभी कुछ इश्यू होगा क्या? जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से ही डिवाइड किया, परफेक्ट है। तो फिर अब देखो ऐसा क्यों किया, बिकॉज वी नो द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज नथिंग बट दिस, और ये टर्म कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, और ये टर्म कहाँ पे, न्यूमरेटर में। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी व्हाट इज द आंसर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सो दिस इज व्हाट आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। अब डिक्टो डिक्टो सेम फैशन में कोसेक एक्स का आंसर मेरे बच्चे निकाल सकते हैं, उनको प्लीज ये सब ट्राई करना चाहिए क्लास। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कैसे आ जाएगा, तो पहले वही कि कोसेक एक्स वाली टर्म कौन से फॉर्मूलाज में आती है, तो डेफिनेटली एक फॉर्मूला है कॉटेक्स का। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या आता था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड कोसेक एक्स का भी खुद का आ जाएगा फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, माइनस कोसेक एक्स कॉटेक्स। इज दैट क्लियर टू यू? अब ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, इसका ये डेरिवेटिव है क्लास। तो अब इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन कर देता हूँ, तो व्हाट वी गेट इन द लेफ्ट हैंड साइड, कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉटेक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स मिला है। अब यहां से कुछ कॉमन आता है क्या, देखो यार कोसेक एक्स को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स ये टर्म बचा, यस और नो? अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, बरोबर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स से मल्टीप्लाई किया, एंड उससे ही मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, बिकॉज वी नो दैट कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कोसेक एक्स होल इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स। मतलब ये टर्म मुझे कहाँ पे दिख रहा है, डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वाली टर्म कहाँ पे, न्यूमरेटर में। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आवर आंसर इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहाँ पे देखो, जस्ट अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। बट इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखो इसको साइन एंड कॉस के टर्म में लिखा तो ये कैसा दिखना, सेक एक्स इज वन अपॉन कॉस एक्स एंड टेन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो वन प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, कॉस एक्स। यहाँ तक क्लियरिटी है? अभी देखो क्लास, वन प्लस साइन एक्स, वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ऐसे मैं वन को लिख सकता हूँ, येस और नो क्लास? तो वन की जगह पे ये लिखा, एंड साइन एक्स को मैं टू कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू ऐसा लिख सकता हूँ। सो व्हाट वी गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दैट इज व्हाट, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। मतलब क्या है, मैं वन प्लस साइन एक्स की जगह पे डायरेक्टली फॉर्मूला क्या यूज कर सकता हूँ, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू होल का स्क्वायर, वेर एज कॉस एक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। सो दिस इज व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब ये देखो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा भी लिख सकता हूँ, यही फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूँ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू को मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ, येस और नो क्लास। तो उससे फायदा क्या होगा, ये एक और ये एक कैंसल हो जाएगा और बचेगा क्या, कॉस साइन का प्लस एंड माइनस के कॉम्बिनेशन में रिमेनिंग टर्म्स होंगे। अब देखो क्लास, ऐसा कभी भी लाइफ में सिचुएशन होगा तो याद रखियो हमें कॉस वाली जो टर्म है उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। सो व्हाट वी गेट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टैन एक्स बाय टू, और यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस टैन एक्स बाय टू। अब ये फॉर्मूला हमें ना रिजल्ट डायरेक्टली पता होना चाहिए, वन प्लस टैन एक्स बाय टू, वन माइनस टैन एक्स बाय टू, तो ये फॉर्मूला है टैन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू का। देखो कैसे आता है मैं बता देता हूँ, वन की जगह पे टैन पाई बाय फोर लिखा प्लस टैन एक्स बाय टू है वैसे के वैसे ही लिखा है, यस और नो, अपॉन वन वैसे के वैसे ही। अब माइनस tan x by 2 को मैं 1 into tan x by 2 भी बोल सकता हूँ, तो 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, tan pi by 4 into tan x by 2। अब देखो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर देखा है तो वहां पे हमने tan a plus b का फॉर्मूला देखा था, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, that is what tan of a plus b का फॉर्मूला। तो आंसर क्या आ जाएगा, log of mod of tan, वन की जगह पे क्या पाई बाय फोर ना, तो पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू इज द आंसर। आर यू रियली गेटिंग मी, मतलब sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम, log of mod of tan पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, इज दैट क्लियर टू यू। अब देखो सिमिलर फैशन में cosec x का भी हम ट्राई करते हैं, cosec x का फॉर्मूला क्या मिला था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स को मैं वन अपॉन साइन एक्स लिखूं एंड कॉट एक्स को मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखूं, क्लियरिटी, साइन एक्स डिनोमिनेटर में कॉमन है तो ऊपर क्या मिल जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला मेरे हर एक बच्चे को पता है, दैट इज वॉट, टू टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, एंड साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू कैंसल, टू टू कैंसल, साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू इज, सो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन एक्स बाय टू। सो दिस इज वॉट आंसर फॉर कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, log of mod of tan x by 2। देखो ये results भी हमें पता होने चाहिए, अपने exercise में ये question पूछा है तो देखो कितना simple है, is that clear to you? अब इसके साथ हमें कुछ inverse trigonometry के basic formulas पता होने चाहिए, देखो क्या है वो basic formulas inverse trigonometry के। derivative के पता थे हमें, derivative का first formula क्या था, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डेफिनेटली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना समझ में आता है ना मेरे हर एक बच्चे को, क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये अगर प्रोसीजर आपको समझाए तो डेफिनेटली आप सारे फॉर्मूले लिख सकते हो, तो प्लीज मेरे लिए जल्दी से छः के छः फॉर्मूले लिख के दे दो। देखो मैं लिखने से पहले आपका हो जाना चाहिए। सेकेंड क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्यों, बिकॉज कॉस इनवर्स का क्या आता था, माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की इस चीज का डेरिवेटिव का फॉर्मूला था टैन इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। सिमिलरली
कॉट इनवर्स के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर टू यू? इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियरिटी के साथ बोलो क्लास। फिफ्थ क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किस चीज का था, सेक इनवर्स एक्स का था, बस इसको ही माइनस लगा देंगे तो वो किस चीज का बन जाएगा, कोसेक इनवर्स का, दैट्स इट। तो हमारे सारे बेसिक फॉर्मूले यहां पे क्लियर हो चुके हैं। लास्ट की दो प्रॉपर्टीज देखो क्लास। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स रूट में एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। यहां पे हम एफ ऑफ एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं, सो डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव लिया तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा एंड इसका डी टी बाय डी एक्स, बट डी एक्स को मैं यहां पे लिख दूंगा तो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्सप्रेशन मिला। तो ये देखो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, डी टी, एंड एफ ऑफ एक्स को टी एज्यूम किया तो गिवन क्वेश्चन अब कैसे कन्वर्ट हो गया, देखो वन अपॉन रूट में टी इंटू डी टी, दैट इज नथिंग बट ये टी रूट में मतलब टी रेस टू हाफ, बट ये वन अपॉन है मतलब टी रेस टू माइनस हाफ डी टी, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या था, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी रेस टू माइनस वन बाई टू प्लस वन मतलब प्लस हाफ मिल जाएगा, अपॉन वन बाई टू मतलब क्या हो गया, टू टाइम्स रूट टी, बट टी की वैल्यू क्या एफ ऑफ एक्स है, तो फाइनल आंसर क्या बन गया, टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को प्रूफ समझा है। अब ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे देखो मैं कैसे क्वेश्चन बना सकता हूं कि यहां पे उन्होंने कॉस एक्स डाल दिया और यहां पे उन्होंने साइन एक्स डाल दिया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये फॉर्मूलेज बहुत काम में आएंगे, ये प्रॉपर्टीज बहुत काम में आएंगे। इसको मैंने साइन एक्स को टी अज्यूम किया तो दिस इज व्हाट माय डेरिवेटिव, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, टू टाइम्स रूट में साइन एक्स प्लस सी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम फॉर्म कर सकते हैं एंड एक्सरसाइज सॉल्व करते समय हम डेफिनेटली ये सब कर लेंगे, क्लियरिटी बट माइंड सेट हो रहा है ना। अब देखो ये सबसे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में यूज होगी तो यही है वो, जैसे डेरिवेटिव में हमने चेन रूल देखा था याद है, तो डेरिवेटिव में चेन रूल क्या बोलते थे हम, दिस इज नॉट एक्स सो इनटू इट्स डेरिवेटिव, बट वो दिस इज नॉट एक्स के लिए कोई कंडीशन नहीं था, आर यू गेटिंग मी क्लास, बट यहां पे कंडीशन है। देखो हाँ क्लास, पहले देख लो, पूरा स्टेटमेंट सुन लो, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज फाई ऑफ एक्स प्लस सी, ये गिवन डेटा है, दिस इज वॉट गिवन, तो हमें ये गिवन है, गिवन तो गिवन डेटा मतलब उसको यूज करना है हमें, और हमें देन प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी। अब एक्स प्लस बी इस फंक्शन को देखो, दिस इज व्हाट लीनियर फंक्शन, मतलब क्या एक्स का पावर क्या है, वन है, तो लीनियर फंक्शन होगा तो ही ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नॉट। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक होता था, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेबल होगी, ये पहले दिमाग में फिट कर लो क्लास। अब देखो तो ये हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या कर लेंगे हम, एज यूजुअल एफ ऑफ एक्स प्लस बी है ना, तो एफ ऑफ के अंदर जो ऑकवर्ड लग रहा है उस चीज को हम पहले टी एज्यूम कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, a इंटू डी एक्स कॉन्स्टेंट का तो जीरो आ जाएगा इज इक्वल टू, क्लियरिटी अगर नहीं समझाए तो देखो x का डेरिवेटिव a आ जाएगा एंड t का विथ रिस्पेक्ट टू डी टी बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स यहां पर ही आने वाला है, तो अब इसके बाद मैं ऐसे ही डायरेक्टली लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए।
सो डीएक्स के लिए मुझे वैल्यू क्या मिल गया, डीएक्स इज इक्वल टू 1/a times dt. तो इसको मैं बॉक्स में फर्स्ट रिजल्ट बोल देता हूँ. अब मैं लेफ्ट हैंड साइड मेरा देखो कैसा दिखेगा, एफ ऑफ इस चीज को मैंने टी एज्यूम किया था तो एफ ऑफ टी एंड डीएक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/a बाहर लिख दूं एंड दिस इज व्हाट डीटी. तो ये क्वेश्चन देखो लेफ्ट हैंड साइड कैसे टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है. अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स हमें पता है तो चेंज ऑफ वेरिएबल भी चल सकता है, एक्स की जगह पे टी लिखा तो भी यही आंसर आने वाला है. इज दैट क्लियर टू यू क्लास? तो मुझे एफ ऑफ टी डी टी की जगह पे आंसर क्या मिल जाएगा, 1/a, इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, फाई ऑफ टी प्लस सी. इज दैट क्लियर टू यू? बट टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस बी, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 1/a फाई ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, फाई ऑफ एक्स प्लस बी होल अपॉन ए प्लस सी. सो यही मेरा आंसर है जो मुझे प्रूव करना था. बट देखो ये मैंने प्रूव किया तो भी मैं इसको कैसे देखता हूं, देखो क्लास, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई ऑफ जो कुछ भी है वो, बट दिस इज नॉट एक्स. सो डेरिवेटिव में चेन रूल में इनटू इट्स डेरिवेटिव किया था, इंटीग्रेशन क्या एंटी डेरिवेटिव है, मतलब क्या इनटू वहां पे रहेगा तो यहां पे क्या होगा अपॉन, तो इसीलिए यहां पे अपॉन है कर दिया. देखो कितना सिंपल है. इसके ना कुछ एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. देखो मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूं. डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, साइन 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बट दिस इज नॉट एक्स सो इनटू इट्स डेरिवेटिव तो 2 times cos 2x आता था. अब किसी ने पूछ लिया मुझे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x कैसे आ जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2x, बट दिस इज नॉट एक्स सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव तो 2x का डेरिवेटिव 2. इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ चुका है, क्लियरिटी पक्का? तो देखो क्लास ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा डेरिवेटिव में, जैसा चेन रूल सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था वैसे ही ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में यूज़ होगा. बट डेरिवेटिव में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि ये जो दिस इज नॉट एक्स हम बोलेंगे वो यही होना चाहिए वही होना चाहिए, बट इंटीग्रेशन में रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है कि वो जो फंक्शन है वो लीनियर ही होना चाहिए. मतलब क्या लीनियर, मतलब क्या ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट आया तो ही मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ. इज दैट क्लियर टू यू? देखो आज हमने बेसिकली क्या किया, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के लिए जो प्री रिक्विजिट चाहिए, फॉर्मूलाज चाहिए, रट्टा जुबानी होना चाहिए, वो सब करवा के ले लिया है, तो आपको कुछ भी उसमें डाउट नहीं होना चाहिए एंड जुबानी ये सारे फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए. इज दैट क्लियर टू यू? होपफुली आपको सारे फॉर्मूलेज आ चुके हैं, तो प्लीज लाइक करो. अरे लाइक करो, कमेंट्स करो, अच्छा लगा होगा तो वैसे कमेंट कर देना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्लीज दबाओ, घंटीला दबावीच लागेल, क्यों, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए. एंड एटलीस्ट 10 नए बच्चों को ये शेयर करो, क्या होगा उनका भी फॉर्मूलाज रट्टा हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? एंड हमारी फैमिली भी बड़ी होते जाएगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.